तो हमारी ओर से कहा गया, मांग की गई कि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है, इसमें फांसी होनी चाहिए। कहते हैं गुनाह करने वाले को एक न एक दिन सजा जरूर मिलती है, भले देर से ही सही मगर मिलती जरूर है। ये तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर की है। करीब 7 साल से ये बुजुर्ग महिला अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए केस लड़ रही थी। अब उस मामले में कोर्ट का फैसला आया। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में साल 2016 में एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें जिला कोर्ट ने उनकी एनआरआई पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो किया उसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगी। दरअसल आरोपी पत्नी अपने एनआरआई पति को लेकर विदेश से भारत आई थी और यहां आकर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। इस दौरान महिला और उसके प्रेमी ने घर में मौजूद 2 कुत्तों को भी जहर देकर मार दिया था। इस मामले में जिला कोर्ट ने करीब 7 साल बाद फैसला सुनाया है, जिसमें महिला को फांसी की सजा और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज न्यायालय ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुना, तो दोनों पक्षों की तरफ बहस हुई, तो हमारी ओर से कहा गया, मांग की गई कि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है, इसमें फांसी होनी चाहिए। न्यायालय ने जो है महिला को आजीवन कारावास, मृत्युदंड यानी फांसी, और ये जो मिट्टू है दोस्त उसको आजीवन कारावास, 3 लाख रुपये मांग किया। दरअसल पूरा मामला 1 सितंबर 2016 का है। थाना बंडा क्षेत्र के बसंतापुर गांव के बाहर फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी। इसके अलावा 2 पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मार दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने सुखजीत सिंह की पत्नी रमनदीप कौर और उसके प्रेमी गुरप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया था। बता दें कि मृतक उसकी पत्नी और पत्नी का प्रेमी तीनों ब्रिटिश नागरिक थे। जांच में सामने आया था कि मृतक की पत्नी मनदीप कौर का ब्रिटेन में ही गुरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते मनदीप कौर ने अपने प्रेमी गुरप्रीत के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची, और साजिश के तहत पत्नी अपने पति को लेकर ब्रिटेन से भारत आई और यहां प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी। कोर्ट में चले लंबे ट्रायल के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मामले को गंभीर माना और आरोपी पत्नी को फांसी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बेटे को इंसाफ मिलने के बाद मृतक सुखजीत सिंह की मां की आंखों से आंसू छलक उठे। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। ये होना चाहिए था, जो मैं भगवान से मांग रही थी, सब कोर्ट से मांग रही थी, वो मुझे मिल गया। मैं यही मांग रही थी कि इनको फांसी की सजा होए, कि आगे जल के किसी माँ का बच्चा ना खत्म होए। कोर्ट का फैसला आने के बाद मृतक सुखजीत सिंह का परिवार खुश है। मृतक की माँ का कहना है कि वो इस मामले में जो सजा चाहती थी कोर्ट ने वही फैसला सुनाया है। करीब 7 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनके बेटे को इंसाफ मिला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।